की रेसिपी है ये। इसमें मैंने ना खड़े मसाले, साबुत मिर्चे, दालचीनी, बड़ी इलायची और नमक और साबुत लहसुन, एक प्याज और अदरक, ये सब डाल के इसे मैंने चढ़ा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसे सिल पे पीस लिया। इसमें मैंने एक अंडा डाला है, इसमें मैंने प्याज है, एक प्याज चॉप की हुई है और एक हरी मिर्चे है, थोड़ा सा हरा धनिया है और दो नींबू डालूँगी इसमें। हाँ, ये आधा किलो गोश्त में मैंने एक पाव चने की दाल डाली है। आधा किलो गोश्त था उसमें मैंने एक पाव चने की दाल डाली है। और अब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी, ये दो नींबू हैं, ये दो नींबू निचोड़ूंगी। और ये मैंने ऐसी चुटकी उठा के सिर्फ गरम मसाला डाला है बस, क्योंकि इसमें शुरू में भी गरम मसाला डाला था साबुत, तो फिर एंड में कम डालेंगे जिससे ना तेज़ाई आ जाएगी। फिर बस ये मैंने फिर इसको मिक्स करना है। मैं इसको मिक्स करके आप 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें ताकि इसका मसाला इसमें मैरिनेट हो जाए, सेट हो जाए। फिर आप इसकी टिक्कियां बना के इसको फ्राई कर सकते हैं या फिर डी में रख दें जब आपको फ्राई करने हो, तब निकाल के खा लें इसकी टिक्कियां। ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।